بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي نازرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسان فهم القرآن इस सीरीज़ के पैंतीसवें सबक के लिए हम आपका इस्तेबाल करते हैं जिसमें हम इन हमाम और कपड़े पहनने से मुतल दुआएँ सीखेंगे ग्रामर में जाहदा और नादा दो मज़ीद फी के अफ़ल की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नुकतः शौक़ या खौफ़ या तालीम लेंगे तो शुरू करते हैं हम हमाम में दाखिल होने की दुआ से, दाखिल होने से पहले इंसान ये पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजू बिका मिनल खुबुसी वल वखबाई अल्लाहुम्मा, है अल्लाह इन्नी बेशक मैं, आऊजू मैं पेना में आता हूँ बिका तेरी मिनल खुबुसी, मर्द शयातिन से खबूस जो है मर्द शयातिन और ख़बाइस औरत शयाती ठीक है मर्द जिन्नात, खबीस औरत और जिन्नात, मोनस जिन्नात खबीस मर्द शयातीन से औरत शयातीन से या मोहनस शयातीन से मिनल ख़बूस मर्द शयातीन से और औरत शयातिन से अमी अगव कहा मिनल ख़बूशी वालखबाइश कैसा करम है कैसा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है मुबारक के हमको हर तरफ़ से महफूज किया ये जो खबीस की जगह है खबीस जो जिन्नात की जगह है ऐसी दुआ सिखा दी कि अल्लाह ताला की हम पनाह में आ जाएं और गैर ज़रूरी बाद में मसायल पैदा ना हो बाथरूम से निकलते हुए हमाम से निकलते हुए बैतुलखला से निकलते हुए रा नका ग़रा का ग़रान यानि मौफिरत ग़फरा का तेरी मौफिरत यानी मतलब ये है कि तेरी मोफरत चाहिए तेरी मोफरत मांगता हूँ तेरी बख्शिश मांगता हूँ और इससे पहले हमने ज़िक्र किया कि इसकी नस्बत क्या है एक तो आला इसकी तशरी यह है कि चूँकि इंसान हमाम में ज़िक्र नहीं कर सकता बैतलखला में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता इसलिए बाहर आने पर हम गोया अल्लाह ताली से बख्शिश मांग रहे हैं किल्ला हम आपका जिक्र नहीं कर सके ये तशरी हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए दूसरी तशरी उसकी ये है कि ए अल्लाह तूने खिलाया मैंने खाया एनर्जी आई क़वत आई सारी दुनिया में चला फिरा दौड़ा कूदा उछला पूरे मज़े किए अब जो फजला था वो निकाल दिया एक साइकिल कंप्लीट हो गया अब दूसरी बार खाना है लेकिन तेरा शुक्र वैसा अदा नहीं कर सका उस खाने का जैसा मुझे करना चाहिए था इसलिए मैं तेरी बख्शिश मांगता हूँ ये बहुत ही दिल को लगती तशरी है कि इंसान वाकई खाता है अल्लाह खिलाता है और करोड़ों अरबों खरबों रिएक्शंस चलते हैं एक एक सेल एक पूरी इंडस्ट्री जैसा है एक एक सेल, एक, एक, सेल एक, एक, एक सेल जो है एक इंडस्ट्री जैसा है इतना िमशान निज़ाम रखा है अल्लाह ताला ने इधर से ब्लड जा रहा है उधर से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं उधर से लिम्फैटिक फ्लोइड से पूरा सीवरेज सिस्टम है बॉडी में पूरा हाँ जो इंसान फजला ख़ारिज करता है उसमें और हवा से और पेशाब से और ये जगह जगह अंदर जो सेल बन रहे हैं टूट रहे हैं फूट रहे हैं ये सारी तमीर का काम मुसलसल जारी है सप्लाइज का और सीवरेज का दोनों सिस्टम अंदर चल रहे हैं और एक दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह लाने तर्जुमा कर सकते हैं आप इसका अल्हम्दु शुर्णु 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 है। जिसने, जिसने अजहा दूर की आफानी और आफ़ियत बख्शी मुझे सेहत बख्शी मुझे यानि उसका मर्ज नहीं लगाया अगर वो सोचिए आप इन इन दुआओं की अहमियत को अगर समझना हो तो हॉस्पिटल में वो डिपार्टमेंट में जाएं जहां पर लोगों के पाइप लगे हुए हैं फजला निकालने के लिए पेशाब निकालने के लिए ये जो हम वापस आ जाते हैं आराम से बाथरूम से अगर ना निकले इसीलिए वो एक मशहूर वाक़ है हारून रशीद का कि कोई कोई जो है आलिम दीन उनके सामने बैठे थे या कोई अच्छा आदमी बैठा था हारून रशीद ने पानी मांगा तो उन्होंने कहा अमीर उमीन जरा ठहरिए अगर आपको ये पानी ना मिले तो आप क्या देंगे मुझे आप मरने के करीब में पानी ना मिले तो कहने लगा मैं आधी सल्तनत दे दूँगा उसने तो पी लिया पी लीजिए फिर उसने कहा उन्होंने कहा कि अगर अब पेशाब ना निकले इसका तो आप क्या देंगे बोले तो आधी सल्तनत दे दूँगा बोले तो तुम्हारी सल्तनत की कीमत इस पानी पीने और पानी निकालने से ज़्यादा नहीं है मैं उससे मांगता हूँ जिसके हाथ में हर चीज़ है तो ये दुआओं की अजमत को अगर सोचना हो समझना हो तो उन लोगों को जहन में लाइए जिनको पाइप लगाकर पेशाब निकाला जा रहा है या फुजला निकाला जा रहा है या जिनको पाइप से खिलाया जा रहा है अदबा अनिल दूर की मुझसे तकलीफ़ व आफ़ानी और आफियत बख्शी मुझे कपड़ा पहनने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा कीजिए सानी मुझे हाद ये, ये। वजाकानी और, और दिया मुझे इसे रजाकनी दिया मुझे ही इसे यानी इस कपड़े को मिन गैरी हाउलिन मिन गैर यानि बग़ैर मिन गैर गैर से यानी बग़ैर मिन गैर बगैर हाउलिन किसी ताकत के مني मेरी ولا قوة. और न किसी क़वत की अलहिलासानी हाजा हाला هذا रज़ा कनी ही मिन गई रहा मनी वाला कोई कह सकता है कि मैंने पैसे देकर बाजार में कपड़ा ख़रीदा है वो कपड़ा कहाँ से आया कह सकता है मैंने इंडस्ट्री बनाया वो कहाँ से आया कपास का कहाँ से आई अगर अल्लाह ताला ज़मीन को फ्लैट चट्टान बनाया था पत्थरों की तो कहाँ से बनाते आप कपड़ा कहाँ से पहनते क्या चीज़ पहनते हैं असल तो देने वाला अल्लाह ताला है उसने दिया मुझे ये तो बीच के वसायल हैं बिन गैर हवल मनी वाला कुआ मैं गुज़ारिश करता हूँ क़ारी इमरान ख़ान से कवाएँ और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएँ